वीडियो जो बनाएंगे नेशनल इंडिया जो क्लास 10 का चैप्टर है हिस्ट्री में, उसमें ये लास्ट यूनिट है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इस यूनिट में हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने अंडरलाइन करके आपको तो दिखाया हुआ है, जो आप आराम से ये कीवर्ड्स याद रखेंगे तो सेंटेंस में डाल देंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इंडियन फ्लैग जो था जैसे मोमेंट में कैसा था, ट्राइकलर फ्लैग है, रेड ग्रीन येलो सब कलर है, और उसके बाद एट लोटस है बीच में, उसमें क्या है, एट लोटस क्या दिखाता है, भारत के आठ प्रोविंसेस यानी आठ क्षेत्रों की बात है जो ब्रिटिश इंडिया बनाई गई थी, क्रिसेंट मून है जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाता है। ऊपर साफ खाली याद रखेंगे सेंटेंस आप बना लेते हैं। स्वराज फ्लैग कैसा है, स्वराज गांधी जी बनाया, ट्राइकलर रेड ग्रीन व्हाइट का है, उसमें स्पिनिंग व्हील सेंटर में, स्पिनिंग व्हील सेंटर में है, और वो गांधी सेल्फ हेल्प यानी खुद से अपनी मदद करने की दर्शाता है। हाउ इंटरप्रिटेशन यानी हिस्ट्री में कैसे बदलाव करके हिंदुस्तानियों ने देशभक्ति की भावना कैसे जगाई लोगों में। एक्चुअली होता क्या है कि जब अंग्रेज आते हैं हिंदुस्तान में तो वो काफ़ी लंबे समय तक हिंदुस्तान के इतिहास बदलते रहते हैं, और वो दिखाते हैं कि हम गरीब थे, अनपढ़ थे, और हम राज करने में असमर्थ थे, इस तरह की चीज़ें वो दिखाते हैं। लेकिन हम तो आपको पता ही है कि कहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे और कहाँ था, आज भी हम लोग कहाँ विश्व गुरु के नाम से विख्यात हो रहे धीरे धीरे। तो इसमें क्या है कि हम लोग इतिहास को पुनः जागृत करते हैं लोग अंदर, किताबों में छोटी छोटी किताबें, कॉमर्स स्कूल में छोटे छोटे सस्ते किताबों में उसको छापते, लोग अंदर ये बैठा देते हैं कि हम लोग बहुत कुछ हैं, अंग्रेज कुछ नहीं है। इस चीज़ों की किस चीज़ों की रिफ्लेक्ट किया जाता है वहाँ पे, तो पास में दिखाया जाता है, डिस्कवरी किया जाता है, आर्ट आर्किटेक्चर जैसे साइंस की सारी चीज़ों को, फिलोसफी कल्चर ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है वहाँ पे, और लोग के अंदर एक जोश और उमंग पैदा किया जाता है ताकि वो अंग्रेजों से घिर सकते। तो आशा करता हूँ कि सारी चीज़ों आपको समझ में आ गया होंगे, और यदि कोई भी डाउट है अगर आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करिएगा, और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए ताकि उनका भला हो सके।